दुनिया के 10 सबसे खतरनाक नदियां। दोस्तों, नदियों को हमारी जीवन का लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पीने के लिए उपयुक्त पानी पूर्ण रूप से नदियों पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन क्या हो जब ये नदियां जान लेने पर उतर जाए, तो हमें भगवान ही बचाए। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक नदियों की सैर कराने वाले हैं। नंबर 10, ब्रिस्बेन रिवर ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन नदी ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड में स्थित है। दोस्तों, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है। दोस्तों, इस नदी को फोटोग्राफर के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन इस नदी के पीछे छुपी हुई सच्चाई को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस नदी को दूर से ही हर कोई खूबसूरत बोलता है, लेकिन इसके समीप जाने का कोई भी कोशिश नहीं करता है। अगर इस नदी पर कोई पैर ही डाल दे या पैर ही झुलाकर बैठ जाए, तो वह अपने मृत्यु को स्वयं आमंत्रित देने के समान है, क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा सार्क की संख्या पाई जाती है और यह सार्क मछलियां बेसब्री से इस नदी में आने का इंतजार करती है। नंबर 9, येलो रिवर चाइना। दोस्तों, पीली नदी चाइना में स्थित वांगही के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे एशिया का तीसरी और पूरे विश्व का छठी सबसे लंबी नदी है। यह पीली नदी दुनिया की सबसे खतरनाक एवं जानलेवा नदियों में से एक है। यह नदी अपनी बहाव क्षेत्र में अपने रास्ते को कुल 27 बार बदलती है। इसमें हर साल तेज बाढ़ आती है। अगर ये नदी अपना रुद्र रूप धारण कर ले, तो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को ये मिटा देती है। दोस्तों, इस नदी में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण यहाँ के हजारों लोगों को जान एवं माल की भारी क्षति पहुँचती है, जिसके कारण इस नदी को चाइना में दुख की नदी कहकर भी लोग बुलाते हैं। नंबर 8, कांगो रिवर अफ्रीका। दोस्तों, कांगो रिवर को अफ्रीका में अंधकार का हृदय भी कहा जाता है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी है और उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है। सांप के आकार का इस नदी में अगर सैर करने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नदी अपने यात्रा के दौरान 3000 मील के अपने सफर में यह नदी 76 मील में फैला हुआ सुमसान घाटियों से होकर गुजरती है, जिन्हें अफ्रीका में नर्क का द्वार भी कहा जाता है। नंबर 7, यांसी रिवर रसिया। दोस्तों, यांसी रिवर तकरीबन 3487 किलोमीटर लंबी है। यह नदी रसिया के कुल 6 शहरों से होकर गुजरती है। समय समय पर यह नदी अपनी शक्ति को बाढ़ के द्वारा इंसानों को दिखाती रहती है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। बड़े बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाली रासायनिक द्रव, जो कि इस नदी में ही मिल जाती है, जिसके कारण यह नदी काफी खतरनाक हो जाती है। साथ ही इस नदी में रेडिएशन की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कि इन सभी कारणों से नदी के आसपास रहने वाले लोगों का सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, नील रिवर अफ्रीका। दोस्तों, जब भी नील नदी की बात आती है, तब मन में एक ही ख्याल आता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। लेकिन इस नदी के पीछे छिपे खतरे को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तस्वीरों को देखकर इस नदी में डुबकी लगाने का मन कर रहा होगा, तो अपने मन को थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव निवास करते हैं, जिसमें जहरीले सांप एवं खतरनाक मकड़ियां शामिल है। साथ ही इस नदी में विशालकाय मगरमच्छ एवं जहरीले मच्छर भी पाए जाते हैं, जो कि आपको बीमार ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। नंबर 5, वार्फ रिवर इंग्लैंड। अगर आप नदी के किनारे लंबी सैर पे जाने के शौकीन हैं और नदी के खूबसूरती का दिलकश नजारा उठाना चाहते हैं, तो इंग्लैंड के यॉर्क शहर में बहने वाली वार्फ नदी बिल्कुल सही जगह है। लेकिन आप अगर इस नदी में उतरने को सोच रहे हैं, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि यह नदी जितनी शांत दिखाई देती है, उससे भी ज्यादा ये खौफनाक है। वार्फ नदी का बहाव इतना तेज है, यह आपको एक बार नहीं बल्कि 10 बार मौत के घाट उतार सकता है। और तो और, इस नदी के आसपास का पत्थर इतनी फिसलन भरे हैं कि बस आपके पांव रखते ही आप नदी में समा जाएंगे। नंबर 4, रेड रिवर अमेरिका। अमेरिका के दक्षिणी भाग में बहने वाला यह नदी काफी खूबसूरत, लेकिन जितनी यह नदी आकर्षक है, उतनी डरावनी भी है, क्योंकि इस नदी का बहाव अपने मन की मालिक है। इस नदी का बहाव रातों रात बदल जाती है। इस नदी की सबसे खतरनाक है इसका भंवर, जो कि नदी के तकरीबन हर हिस्से में देखने को मिलती है, जिसकी चपेट में अगर कोई इंसान आ जाए, तो उनका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस नदी के आसपास बहुत सारे दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जो कि किसी को भी अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा बेताब रहती है। नंबर 3, सिट्रम रिवर इंडोनेशिया।
दोस्तों इंडोनेशिया के जावा द्वीप में मौजूद सिट्रम रिवर दुनिया के सबसे प्रदूषित एवं गंदा नदी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूर से देखने से तो लगेगा जैसे कि आप किसी कूड़े के ढेर देख रहे हो, लेकिन इन कूड़े के ढेर के नीचे एक नदी भी बहती है। इस नदी का पानी बेहद ही दूषित एवं बैक्टीरिया से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी के पानी से स्नान एवं कुछ लोग तो यहाँ के इस नदी के पानी को भी पीते हैं। इस नदी को साफ करने के लिए बहुत सारे योजनाओं को आरंभ किया गया है, लेकिन इससे कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी यह नदी बहुत ही गंदा और प्रदूषित है। नंबर दो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। दोस्तों अमेजॉन रिवर दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 6400 किलोमीटर यात्रा के दौरान मुख्य रूप से जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जहां ना जाने कितने सारे जीव जंतु रहते हैं जिससे आज भी हम अनजान हैं, और जिन जीवों से हम परिचित हैं वह भी बेहद खतरनाक है, जिसमें से प्रमुख है विशालकाय एनाकोंडा, जो कि हम इंसानों को जिंदा ही निगल जाने में सक्षम रखता है। साथ ही इस नदी में खून की प्यासी पिराना मछली भी पाई जाती है, जो कि पल भर में किसी भी इंसान को कंकाल के रूप में बदल देती है। और हमारे नंबर वन पे आता है रियो टिंटो रिवर स्पेन। दोस्तों स्पेन में बहने वाली इस नदी को खूनी लाल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का ज्यादातर हिस्सा लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह नदी सोने चांदी तांबा एवं कई अन्य धातु के खदानों से होकर ये गुजरती है, और इसलिए इस नदी में धातु की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और रियो टिंटो में जो पानी बहता है वह पानी नहीं है, बल्कि यह तो एसिड है, जिसका पीएच मात्रा तकरीबन 1.6 है, जिसका मतलब यह है कि यह किसी भी जीव को आसानी से गलाने में सक्षम है। अब भला आप सोच रहे होंगे, भला इस नदी में आखिर कौन सा जीव पाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इस नदी में भी जीव पाया जाता है, वो है बैक्टीरिया। और इस नदी के किनारे भी एक जीव पाया जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसका नाम है साइंटिस्ट। इस नदी के किनारे आए दिन रिसर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।